हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी लेक्चर 24 जो मैंने क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट की हुई है कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए। और हर एक क्वेश्चन को मैं डिटेल से एक्सप्लेन कर रही हूं ताकि इन क्वेश्चंस के थ्रू ही आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं कॉमर्स के अच्छे से क्लियर हो जाएं। और ये यूजीसी नेट कॉमर्स एज़ वेल एज़ पीजीटी कॉमर्स दोनों के लिए काफ़ी यूज़फुल रहने वाला है, ठीक है। और हम हर एक क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस करेंगे। और अगर आपका कोई भी डाउट होगा तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। लेक्चर 1 to 23 की जो प्लेलिस्ट का लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ पर क्लिक करके देख लेना। बिकॉज जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए बेटर है, ओके। एंड अगर आप लोगों ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन यू कैन सब्सक्राइब ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस की टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके और आप अपनी प्रेपरेशन को अच्छे से कर सकें, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट वन को मैच करना है लिस्ट सेकेंड से, ठीक है। लिस्ट वन में आपको गुड्स के टाइप दिए हुए हैं और लिस्ट सेकेंड में उनका कॉन्सेप्ट बताया हुआ है, तो आपको इनको प्रॉपर मैच करना है। अब इसको करने का बेनिफिट क्या होगा, देखो आपको सारी जो जितने टाइप की गुड्स दी हुई है मार्केटिंग से रिलेटेड है आपका, आपको पता चल जाएगा कि किसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो अगर इनसे रिलेटेड अलग अलग डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है तो आप इजीली कर पाओगे, ठीक है। इसीलिए मैं डिटेल से हर चीज़ को डिटेल डिस्कस कर रही हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो कन्वीनियंस गुड्स, कन्वीनियंस गुड्स बोला हुआ है शॉपिंग स्पेशलिटी एंड अनसोल्ड गुड्स। सबसे पहले हम बात करते हैं कन्वीनियंस गुड्स की। कन्वीनियंस का मतलब क्या होता है, ईजीली, यानी कि ऐसी गुड्स जो आपको ईजीली मिल जाती हैं, आपको ज़्यादा उसके लिए एफर्ट्स नहीं करने पड़ते हैं और आप उनको फ्रिक्वेंटली मतलब लगातार क्या करते हो, परचेज़ करते हो। जैसे कि हम एग्जांपल ले तो ग्रॉसरी की गुड्स है, जैसे कि सोल्ट वगैरह हो गया, शुगर वगैरह है ना, आपके घर के आसपास ही ग्रॉसरी शॉप्स होती हैं, वहाँ पे आप आसानी से क्या कर सकते हो, इनको परचेज़ कर सकते हो, फ्रिक्वेंटली परचेज़ करते हो आप, है ना इनको। तो ये इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कन्वीनियंस गुड्स कहते हैं, ठीक है। तो ये किसके साथ मैच हो जाएगा, इसके साथ। फिर आती है शॉपिंग गुड्स। शॉपिंग गुड्स वो गुड्स होती हैं जब हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं चीज़ों को ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस, क्वालिटी, स्टाइल, सुटेबिलिटी। जैसे कि अगर हम एग्जांपल है, सपोज़ आपने कोई एलईडी परचेज करनी है तो आप क्या करोगे, डिफरेंट जो डिफरेंट शॉप्स हैं, डिफरेंट शोरूम्स हैं, उनसे क्या करोगे, प्राइस का कंपेरिजन करोगे, क्वालिटी का कंपैरिजन करोगे, स्टाइल देखोगे किसका बेटर है। तो यानी कि आप कंपैरिजन करने के बाद ही उन गुड्स को लेते हो, तो उनको हम क्या बोलते हैं, शॉपिंग गुड्स बोलते हैं। जैसे टीवी हो गया, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन्स, ठीक है। फिर आ जाता है तो इसका मैच किससे हो जाएगा, सेकेंड वाले से। फिर आता है स्पेशलिटी गुड्स। स्पेशलिटी गुड्स देखो नेम में क्या है, स्पेशल। स्पेशलिटी गुड्स वो होती हैं जिनकी एक यूनिक फीचर्स होते हैं और एक प्रॉपर ब्रांड आइडेंटिफिकेशन होती है। ये चीज़ ध्यान रखना, जैसे ब्रांडेड चीज़ें होती हैं, है ना, उनके बारे में तो हमें पता है वो स्पेशल गुड्स होती हैं, उनका एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होता है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। फिर है अनसोल्ड गुड्स। अनसोल्ड मतलब ऐसी गुड्स होती है जिनके बारे में कंज्यूमर्स को पता ही नहीं है, या फिर हम नॉर्मली उनके बारे में, उनको ख़रीदने के बारे में नहीं सोचते हैं, ठीक है। तो अनसोल्ड गुड्स क्या होती है, जिसके बारे में या तो कंज्यूमर अवेयर नहीं है और हम या उसके बारे में उसको ख़रीदने का सोचते नहीं है, ठीक है। तो आपको चारों टाइप की अच्छे से पता चल गई। कन्वीनियंस कौन सी, जो आप मिनिमम एफर्ट्स में फटाफट से क्या करते हो, फ्रीक्वेंटली उसको परचेज करते हो। शॉपिंग गुड्स आप क्या करते हो, कंपैरिजन करते हो प्राइस, स्टाइल, क्वालिटी का, फिर परचेज करते हो। और स्पेशलिटी में जो ब्रांड आइडेंटिफिकेशन होता है उसके बेसिस पे। और जो अनसोल्ड गुड्स होता है, जिसके बारे में या तो कंज्यूमर्स को पता नहीं है या फिर उसको ख़रीदने के बारे में सोचते नहीं है, ठीक है। तो ये देखो सामने बिल्कुल इनके करेक्ट ऑप्शन दिए हुए हैं, तो ये कौन सा हो जाएगा हमारा, सेकंड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग टेक्निक ऑफ कैपिटल बजटिंग डिसीजन इंडिकेट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्काउंटिंग टेक्निक्स। आपको ये जो चार टेक्निक्स बताई हुई हैं किससे रिलेटेड है, कैपिटल बजटिंग से। कैपिटल बजटिंग होता क्या है, कैपिटल बजटिंग होता है रिलेटेड टू हमारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन से, ठीक है। जैसे कि आपने कोई बड़े प्लांट या मशीनरी परचेज करनी होती है तो उसको हम कैपिटल बजटिंग डिसीजन के अंदर आता है।
अब जब कैपिटल बजटिंग डिसीजन होता है उसमें चीज़ों को इवैल्यूएट करना, आप कोई भी प्रोजेक्ट अगर आप ले रहे हो जो आप प्रोजेक्ट करना चाहते हो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का, तो उसको आप पहले इवैल्यूएट करते हो, और इवैल्यूएट करने के लिए आपके पास टेक्निक्स हैं कैपिटल बजटिंग की। उनकी जो दो ब्रॉड कैटेगरी आती है, एक आती है हमारी डिस्काउंटिंग टेक्निक्स, एक आती है हमारी नॉन डिस्काउंटिंग। ठीक है, डिस्काउंटिंग वो वाली होती है जिसमें हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी का क्या यूज़ करते हैं, कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। ध्यान रखना, डिस्काउंटिंग टेक्निक्स वो होती है जिसमें हम क्या यूज़ करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट, और हमें वही टेक्निक्स अब बतानी है। तो हम वन बाय वन देखते हैं इसके बारे में। फर्स्ट आपका टेक्निक दिया हुआ है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। देखो PI टेक्निक क्या होती है, इसका फॉर्मूला होता है आपका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। क्या फॉर्मूला होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो यहाँ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ, तो इसका मतलब ये कौन सी है, डिस्काउंटिंग टेक्निक है। ठीक है, फिर है नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू का क्या फॉर्मूला होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो इसमें भी हुआ यूज़ प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट, और आपको फॉर्मूलाज बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। ठीक है, अब इन दोनों में कन्फ्यूज़ नहीं होना, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में हम डिवाइड करते हैं, ऑन द अदर हैंड नेट प्रेजेंट वैल्यू में हमें माइनस किया जाता है। ठीक है, फिर है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। जो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न है वो डिस्काउंटिंग टेक्निक नहीं होती है। क्या नहीं होती है, वो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न का क्या फॉर्मूला आ जाता है, एवरेज नेट इनकम डिवाइडेड बाय एवरेज नेट इनकम डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे कोई भी प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट यूज नहीं हुआ। ठीक है, तो ये डिस्काउंटिंग टेक्निक नहीं है। फिर है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ध्यान रखना, ऐसा रेट ऑफ रिटर्न है जिस पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इक्वल हो जाता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो के। ठीक है, तो इससे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है आपका कि ऐसा कौन सा रेट है जिस पे जो है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो को हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो के रखते हैं, तो है हमारा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। दिस इज ऑल्सो अ डिस्काउंटिंग टेक्निक। तो फर्स्ट वाला, सेकेंड वाला और फोर्थ वाला, ये तीनों हैं कौन से, डिस्काउंटिंग, लेकिन थर्ड वाला नहीं है। हमसे पूछा है कौन सी है डिस्काउंटिंग टेक्निक, तो जो फर्स्ट है, थर्ड है और फोर्थ है, वो आपके कौन से, सॉरी फर्स्ट सेकंड और फोर्थ कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, थर्ड। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड वाला। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन, विच कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द अजम्पशन ऑफ वॉल्टर डिविडेंड मॉडल। ये जो आपको यहाँ चार स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, इसको आपने बताना है इसमें से ऐसी कौन सी हैं जो अजम्पशंस है किसकी, वॉल्टर मॉडल की। जो आपका वॉल्टर मॉडल है वो किससे रिलेटेड है, आपके डिविडेंड से। डिविडेंड डिसीजंस होते हैं ना, उसमें जो दो ब्रॉड कैटेगरी होती है, एक होते हैं रेलिवेंट मॉडल, एक होते हैं हमारे इररेलेवेंट मॉडल। रेलिवेंट मॉडल ये मानते हैं कि जो डिविडेंड डिसीजंस का अफेक्ट होता है वैल्यू ऑफ द फर्म पे। ठीक है, तो उसमें से एक मॉडल है रेलिवेंट में से, वॉल्टर मॉडल। ओके, वॉल्टर मॉडल क्या है, रेलिवेंस मॉडल है डिविडेंड डिसीजंस का। ये मॉडल ये मानता है कि डिविडेंड डिसीजंस का अफेक्ट पड़ता है किस चीज़ पे, वैल्यू ऑफ द फर्म पे। तो आपको पता है हर मॉडल के कुछ अजम्पशंस होती हैं, और जितनी भी ये अजम्पशंस आती हैं आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। जैसे कि ये आया हुआ है, फर्स्ट अजम्पशन दिया हुआ, द कंपनी हैज़ अ वेरी लॉन्ग और परपेचुअल लाइफ, यानी कि कंपनी की परपेचुअल लाइफ होगी, कॉन्टिन्यूस लाइफ होगी। यस, दिस इज एन अजम्पशन ऑफ वॉल्टर डिविडेंड मॉडल। फिर सेकेंड दिया हुआ है, ऑल अर्निंग्स आर आइदर री इन्वेस्टेड इंटरनली और डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड, यानी कि या तो सारी अर्निंग्स को हम रिटेन कर लेते हैं या फिर डिविडेंड में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। येस, दिस इज ऑल्सो अ अजम्पशन ऑफ वॉल्टर डिविडेंड मॉडल। ठीक है, फिर उसके बाद है, देयर इज़ नो फ्लोटेशन कॉस्ट फॉर द कंपनी, यानी कि कंपनी के लिए भी कोई भी फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं है। तो ये हमारा रोंग हो जाएगा, बिकॉज ऐसी कोई भी अजम्पशन नहीं है वॉल्टर मॉडल की। ठीक है, तो ये रोंग हो जाएगा। फिर है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द कंपनी इज कॉन्स्टेंट। येस, वॉल्टर मॉडल मानता है कि जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो क्या है, कॉन्स्टेंट है। ठीक है, क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब इसके थ्रू जो है आपको क्या पता चल गई, वॉल्टर मॉडल की अजम्पशंस, तो उनको एक बार ज़रूर अच्छे से पढ़ लेना।
और जो दूसरा इसका दूसरा मॉडल है गॉर्डन मॉडल, उसकी भी पढ़ लेना, एमएम मॉडल की भी, ठीक है? तो आपको ये ज़रूर पढ़नी है। तो हमसे पूछा है कौन सी है, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ है, तो वो आपके कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ये थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है? तो इसका करेक्ट क्या हो जाएगा, थर्ड। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको लिस्ट वन को लिस्ट सेकंड से मैच करना है, और ये किससे रिलेटेड है, थ्योरी ऑफ वेजेस से, ठीक है? यहाँ पे आपको लिस्ट वन में वेज की थ्योरी दी हुई है, लिस्ट सेकंड में उनके प्रोपाउंडर दिए हुए हैं। अब लिस्ट वन में जो आपको वेजेस की थ्योरीज दी हुई हैं वो आपने मैच करना है उनके प्रोपाउंडर से। वेज थ्योरी होती किससे रिलेटेड है, कि जो वेजेस हैं वो कितने दिए जाएं और किस बेसिस पे दिए जाएं वर्कर्स को। तो ये इकोनॉमिक थिंकर्स हैं इनके रिगार्डिंग। तो सबसे पहली है आपकी वेज फंड थ्योरी। जो वेज फंड थ्योरी है ये किसने दी थी, एडम स्मिथ ने। ये आपने डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसको याद रखना है, इसके अलग से नोट्स बना लेना साथ के साथ, ठीक है? कि कौन सी थ्योरी किसने दी है, वेज फंड थ्योरी किसने दी है, एडम स्मिथ ने। फिर आता है सबसिस्टेंस थ्योरी। जो सबसिस्टेंस थ्योरी है वो दी है डेविड रिकार्डो ने। किसने दी है, डेविड रिकार्डो। फिर आता है रेजिडुअल क्लेमेंट थ्योरी। रेजिडुअल क्लेमेंट थ्योरी दी है किसने, फ्रांसिस वॉकर ने। और जो बार्गेनिंग थ्योरी है वेजेस की, दैट वाज गिवन बाय जॉन डेविडसन। तो आपको ध्यान रखना है वेज फंड थ्योरी किसने दी है, एडम स्मिथ ने। सबसिस्टेंस थ्योरी किसने दी है, डेविड रिकार्डो ने। रेजिडुअल क्लेमेंट थ्योरी दी है फ्रांसिस वॉकर ने। बार्गेनिंग थ्योरी दी है जॉन डेविडसन ने। तो ये प्रॉपर मैच हो जाएगा आपका सेकेंड वाला, ठीक है? तो आपने इसके साथ के साथ नोट्स बना लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको लिस्ट वन में लिस्ट सेकंड के साथ मैच करना है। लिस्ट वन में कुछ कमीशन एक्ट या कमेटीज़ के नेम दिए हुए हैं, और लिस्ट सेकंड में उनसे रिलेटेड ईयर है, ठीक है? तो आपको इनको प्रॉपर मैच करना है। फर्स्ट दिया हुआ है आपको प्लानिंग कमीशन। तो प्लानिंग कमीशन का जो ईयर है वो किससे रिलेटेड है, 1951 से। कौन सा है, 1951 से रिलेटेड है। कॉम्पिटिशन एक्ट किस, कौन सा ईयर है, 2002, ठीक है? कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। फिर है आपका कैडबरी कमेटी। जो कैडबरी कमेटी है उसका ईयर है, आपने ध्यान रखना है, 1991। और कैडबरी कमेटी किससे रिलेटेड है, आपके फिनेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ कॉरपोरेट गवर्नेंस। ये चीज़ ध्यान रखना, बिकॉज कमेटी से रिलेटेड आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है, कैडबरी कमेटी 1991 रिलेटेड है फिनेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ कॉरपोरेट गवर्नेंस। फिर है रंगाराजन कमेटी ऑन दिस इन्वेस्टमेंट इन PSE। ये किससे, इसका ईयर कौन सा है आपका, 1993, ठीक है? तो ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन था, और इसका प्रॉपर मैच जो है क्या हो जाएगा, ए जो है किसके साथ मैच हो रहा है, प्लानिंग कमीशन किसके साथ मैच हो रहा है आपका, 1991, ओके? प्लानिंग कमीशन किससे मैच हो रहा है, 1951 से, ठीक है? इससे नहीं, 1991 से नहीं, 1951 से। कॉम्पिटिशन एक्ट 2002, कैडबरी कमेटी आपका मैच हो रहा है 1991 से, एंड द लास्ट वन इज़ रंगाराजन कमेटी ऑन डिस इन्वेस्टमेंट, वो आपका किससे मैच हो रहा है, फर्स्ट वाले ऑप्शन से। तो करेक्ट आंसर थर्ड वाला हो जाएगा, ठीक है? तो आपने ईयर्स अच्छे से ध्यान रखने हैं। और अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट हो क्वेश्चंस में, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आने वाली वीडियोस में हम डेली बेसिस पे ही डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस को, ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड हैव अ नाइस डे।